नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के नए वीडियो में। अगर आप बिहार से हैं, आप सब लोग जानते हैं कि बिहार में जनता दरबार लगाया जाता है बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा। हम आपको बता दें थोड़ा सा, यानी अगर आपके पास किसी प्रकार का समस्या है, यानी कि जमीन से रिलेटेड या कोई राशन कार्ड से रिलेटेड, आप किसी प्रकार की समस्या का समाधान लेकर जाएंगे तो आपका समस्या का समाधान हो जाएगा। तो कैसे आपको इसके लिए आवेदन करना है, रजिस्ट्रेशन सबसे पहले करना पड़ता है, उसी के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, स्टेप बाय स्टेप बताएंगे और समझाएंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगने वाला है, साथ ही सारी जानकारी हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक देखिएगा और वीडियो को लाइक कर दिए, क्योंकि एक लाइक हम बहुत ज्यादा एनर्जी देता है आगे नेक्स्ट वीडियो बनाने का। चलिए आपको आवेदन करना है, इसके लिए सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। दोस्तों, जनता दरबार में शिकायत करने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो किसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, तो वीडियो डिस्क्रिप्शन हमने एक लिंक दिया है, जिसे उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो सरकारी इन्फॉर्मेशन के वेबसाइट पर चलेंगे, नहीं तो अगर गूगल से करेंगे तो सरकारी इन्फॉर्मेशन .com करके सर्च करिएगा, इस तरह का वेबसाइट होगा, लोगो भी इस तरह का होगा, ठीक है। इस वाले वेबसाइट पर आ जाएगा, इस वाले वेबसाइट पर आने के बाद आपको स्क्रॉल ऑन जैसे करेंगे यहाँ से ऊपर की ओर नीचे की ओर आपको आ जाना है, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं तीन तरह का कॉलम बनाया गया, एजुकेशन रिलेटेड, एडमिशन रिलेटेड और सरकारी योजना से रिलेटेड। तो आपको सरकारी योजना से रिलेटेड में देखेंगे तो पहले ही आपको मिल जाएगा बिहार मुख्यमंत्री जनता दरबार रजिस्ट्रेशन, यानी हो सकता है नया नया जो अपडेट आए तो नीचे चला जाए, तो इसी कॉलम में आप देख लीजिएगा नीचे की ओर करके, ठीक है। अब जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो इससे रिलेटेड सारा जानकारी इसमें समझाएगा, अच्छी तरह से हिंदी भाषा में समझाया गया, तो आपके पास थोड़ा टाइम है तो यहाँ से पढ़ सकते हैं। चलिए जो मेन टॉपिक बात है, जो भी जरूरत है वही हम आपको बताते हैं, नहीं तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। आपको स्क्रॉल डाउन कर देना, इससे रिलेटेड सारा जानकारी दिया गया है तो एक बार पढ़ लीजिएगा। अब स्क्रॉल डाउन जैसे करेंगे इसमें बताया गया है कौन कौन से चीज से आपको किस दिन समस्या का समाधान होता है, ठीक है। इसमें बताया गया, स्क्रॉल डाउन जैसे करेंगे देख सकते हैं बताया गया है टाइम टेबल, बताया गया जनता दरबार टाइम टेबल, ठीक है। यानी पहला सोमवार का जो विभाग आता है, यानी पहला सोमवार को जो भी निवारण किया जाता है, समस्या का समाधान किया जाता है, कौन कौन से विभाग के अंतर्गत देख सकते हैं। इसमें बताया गया मद निषेध उत्पादन विभाग अंतर्गत जो भी आपका समस्या उद्दिन किया जाता है, पहले सोमवार का, और इसमें जानकारी दिया गया आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। दूसरा सोमवार को देख सकते बताएगा स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत जो भी आपका समस्या है, ठीक है, वो भी किया जाता है। पिछड़ा अतिरिक्त पिछड़ा विभाग के अंतर्गत जो भी समस्या है वो भी किया जाता है। श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत जो भी अगर समस्या है तो यहाँ से दूसरा सोमवार को किया जाता है। और तीसरा सोमवार को बताया गया जैसे ग्रामीण विकास जो विभाग के अंतर्गत अगर समस्या है, पंचायती राज विभाग के अंतर्गत समस्या है, जैसे सोलर स्ट्रीट योजना हो गया, नल जल योजना हो गया और गली नली पर निश्चय योजना के अंतर्गत अगर आपके शिकायत है तो यानी तीसरा सोमवार को होता है, इसका निवारण जो भी है। आपको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो जो भी इसमें डॉक्यूमेंट लगने वाला है रजिस्ट्रेशन करते समय बताया गया था, तो मुख्यमंत्री जनता दरबार रजिस्ट्रेशन आवश्यक दस्तावेज क्या क्या लगने वाला है, यहाँ देख सकते बताएगा। जो भी कैंडिडेट कर रहे हैं उनका आधार कार्ड हो गया, ईमेल आईडी है तो सही है, नहीं है तो कोई बात नहीं, मोबाइल नंबर भी लगने वाला है। और अपनी समस्या का वर्णन करने के लिए आवेदन भी आपको देना पड़ेगा कि कौन सा समस्या है, अच्छी तरह संक्षिप्त में लिखना पड़ेगा। शिकायत संबंधित दस्तावेज है, अगर आपको किसी प्रकार शिकायत है वो डॉक्यूमेंट है तो वो भी लगेगा, शिकायत का आवेदन पत्र भी लगेगा। स्क्रॉल डाउन जैसे करेंगे इसमें प्रक्रिया बताया किस तरह करना है, तो चलिए हम आपको लाइव दिखला देते हैं किस तरह आपको शिकायत करना है। स्क्रॉल डाउन जैसे करेंगे जैसे तो महत्वपूर्ण लिंक का ऑप्शन मिलेगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो आपको स्टेटस अगर देखना है तो एप्लीकेशन स्टेटस का ऑप्शन दिखलाई दे रहा है, तो क्लिक हेयर पर क्लिक करके देख सकते हैं। इसी क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट हो जाएंगे, जहाँ पे आपको कुछ जानकारी फिल करनी होगी जो कि आपका पर्सनल खुद का होगा। सबसे पहले आपको जो भी नाम है आधार के अनुसार आपको डालना है, जो भी व्यक्ति जो आवेदन कर रहे हैं जनता दरबार में जाने के लिए उनका जो नाम है आधार पर वही नाम इसमें डालना है, पिता या पति का नाम डालना है, उसके बाद आधार संख्या डालना है, लिंग आपको सेलेक्ट करना है कौन से लिंग है, महिला है पुरुष है या अन्य है तो आप इसमें सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो जन्म का वर्ष के अनुसार आपको डाल देना है कि जो भी आपके आधार कार्ड पर जो वर्ष है, यानी कि 1931 है तो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, 1998 है तो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना, यानी जो भी आपका वर्ष है आधार कार्ड पर आपको वो सेलेक्ट कर लेना है जो भी। उसके बाद यहाँ से दिव्यांग है या नहीं है ये भी आपको सेलेक्ट करना है, अगर दिव्यांग है तो यहाँ से हाँ पर आने दीजिएगा, नहीं है तो नहीं पर क्लिक कर दीजिएगा। ये होने जाने के बाद आपको वेरीफाई आधार का ऑप्शन दिखलाई दे रहा है, यहाँ से वेरीफाई आधार पर क्लिक कर देना है। भर देने के बाद आपको आधार संख्या इसमें डाल देना है और आधार पर जो भी वर्ष है वो भी चुन लेना है, उसके बाद वेरीफाई आधार पर क्लिक करेंगे तो अगर आपका सारे डिटेल सही रहेगा तो आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी चला जाएगा, जो भी मोबाइल नंबर दिए होंगे उस पर ओटीपी डालकर वेरीफाई कर लेना है। अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो वहाँ से डाल सकते, ओटीपी सत्यापन करने का ऑप्शन दिखलाई दे रहा है, इस पर आपको कर देना है। अब ये सारा चीज़ कर देने के बाद आपको दूसरा कॉलम खुलेगा जो कि उसमें भी कुछ जानकारी फिल करनी होगी, देख सकते बताया गया वर्तमान पता,
आपको सबसे पहले आपको पता डाल देना है, यानी कौन से आपको जो भी जहाँ से आते हैं अपना पता डाल दीजिएगा, जिला सेलेक्ट कर लीजिएगा, पंचायत, प्रखंड, पिन कोड वो डाल देने के बाद उसके बाद दिखाई देगा शिकायत का विभाग, यानी कौन से विभाग से आपको शिकायत करना है। आप इसमें अपना विभाग सेलेक्ट कर सकते हैं, सभी विभाग का लगभग नाम आ जाएगा। आपको जिस भी विभाग के अंतर्गत शिकायत करना है, जैसे पंचायती राज विभाग के अंतर्गत करना है तो यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा, और जो भी करना है वो कर लीजिएगा। उसके बाद विषय, यानी कौन से विषय पर आपका यानी शिकायत है, जो भी आपका शिकायत है इसमें दिया हुआ तो इस पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, नहीं तो अन्य पे कर का आपको जो भी शिकायत है उसमें लिख सकते हैं, जो अपना जो भी शिकायत है अच्छी तरह से संक्षेप में लिख लीजिएगा हिंदी में या इंग्लिश में, ठीक है। उसका शिकायत बिहार लोक शिकायत निवारण पहले से पंजीकृत है तो यहाँ सेलेक्ट करिएगा हाँ, यानी पहले से आप किए होंगे तो हाँ करिएगा, नहीं किए पहली बार करें तो नहीं करिएगा। उसके बाद मुख्य बिंदु जो दिखाई दे रहा है, यानी आपको मुख्य बिंदु क्या है उसमें सेलेक्ट कर लीजिएगा, और जो भी लिखना है उससे रिलेटेड हिंदी में लिखना है तो हिंदी में सेलेक्ट कर लीजिएगा, इंग्लिश में लिखना है तो इंग्लिश में सेलेक्ट कर लीजिएगा। लगभग यानी 1000 करेक्टर में लिख देना है आपको जो भी शिकायत है, ठीक है। वो लिखने के बाद आपको नीचे की ओर आ जाएंगे तो उससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, जैसे जमीन से रिलेटेड अगर आप शिकायत कर रहे हैं तो जमीन से रिलेटेड अगर कोई डॉक्यूमेंट्स है तो यहाँ से आवेदन उसमें अपलोड भी कर सकते हैं। यहाँ से बताएगा आवेदन की प्रति अपलोड करें जीपीजी फाइल में या पीडीएफ फाइल में, यहाँ से कर सकते हैं जो कि 400 KB का नीचे ही होना चाहिए। यहाँ से चूज फाइल पर क्लिक करके अपने मोबाइल फोन से करें तो मोबाइल फोन में फाइल में जाकर आपको इसमें अपडेट कर देना है। तो कैप्चा दिखलाई दे रहा है आपको, कैप्चा इसमें भरकर उसके बाद शिकायत दर्ज करने पर ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आपका जो भी शिकायत है उसको डाउनलोड कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है, अच्छी तरह से संभाल कर जीरोक्स कॉपी निकलवा लेना है। उस पर आपके रेफरेंस नंबर दिया होगा जो कि इसके माध्यम से आप चेक कर सकते हैं कि आपका डेट कब मिला है, कब आपको जाना है। आपको अपना स्टेटस चेक करना है तो चेक करने की प्रक्रिया आपको बतला दे, फिर से उसी वाले वेबसाइट पर आ जाना है। उस वाले वेबसाइट पर आने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन कर देना है, स्क्रॉल नीचे करके इंपोर्टेंट लिंक ऑप्शन जो दिखलाई दे रहा है यहाँ देख सकते बताएगा महत्वपूर्ण लिंक ऑप्शन, इसी में आपको दिखलाई देगा अप्लीकेशन स्टेटस का, इस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको जो भी रेफरेंस नंबर मिला होगा तो यहाँ देख सकते बताएगा व्यू अप्लीकेशन स्टेटस, यानी आपको स्टेटस देखना है कि किस डेट को आपको डेट मिला है। तो यहाँ सबसे पहले आपको सेलेक्ट कर लेना, आधार के माध्यम से चेक करना चाहते हैं या मोबाइल नंबर के या रजिस्ट्रेशन नंबर के माध्यम से चेक करना है तो जो भी आपके पास है अवेलेबल तो आप इसमें सेलेक्ट कर लीजिएगा। आधार के माध्यम से सेलेक्ट करना है तो इस पर क्लिक कर लीजिएगा, उसमें मोबाइल नंबर से करना है तो मोबाइल नंबर पर क्लिक करिएगा, नहीं तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिला होगा स्लिप पे उसके माध्यम से करना है तो इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ से डिटेल्स अपना भर दीजिएगा, आधार नंबर से करना है तो आधार नंबर, जन्म का साल सेलेक्ट कर लीजिए, कैप्चर देख लीजिएगा, इसमें आपको फिल कर देना है। उसके बाद सर्च के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, आप इसी प्रक्रिया से कर सकते हैं आवेदन जनता दरबार में जाने के लिए। अगर आपको किसी प्रकार का दिक्कत हो रही है रजिस्ट्रेशन करने में तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, नहीं तो इंस्टाग्राम का वीडियो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है, वहाँ से भी मैसेज कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।